अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफ्ताब नासिर। जी डी स्टूडेंट, लास्ट हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर लिया है, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 के अंदर हमारे पास कुछ रेडिकल इक्वेशन दी गई हैं, तो हमारा मेन टास्क यही होगा कि हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके जाना है और देन इस पर कोई ना कोई मेथड अप्लाई करना है। 3 मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्यूटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन तीनों में से कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया कि आप इस पर फला मेथड लगाएं, लेकिन मैं तो रिकमेंड करता हूं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ किया जाए, क्योंकि इससे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जी, रेडिकल इसमें दिया गया है, मतलब इसकी स्क्वायर रूट दिया गया है। तो हमारा इस पूरे चैप्टर के अंदर, इवन के नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी यही सिनेरियो होगा कि अगर वेरिएबल एक्स दिया गया है इक्वेशन के अंदर, तो उससे मुराद कि उसके हमने वैल्यू ही फाइंड करनी है एक्स की। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे इसके अंदर, या ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारा काम इसमें होगा टेकिंग स्क्वायर रूट ख़त्म करना चाहते हैं तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये बेस्ट हो गया कि बोथ साइड का हम स्क्वायर ले लेंगे। हमारे पास आ गया 2x + 5 होल पावर 2, इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये a + b फार्मूला हमारे पास आ गया, वो क्या था, a + b होल पावर 2 (1st² + 2nd² + 2 × 1st and 2nd). इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करना है जी। इसमें हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट 2x इसका स्क्वायर, (2nd 5) उसका स्क्वायर, 2 × 1st and 2nd, (1st 2x 5 2nd), इनको मल्टीप्लाई करवाना है 2x × 5। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटता है तो हमारे पास आ गया 7x + 16, ठीक हो गया। तो 2 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर होता है x², 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को 5 से किया तो 20x इज इक्वल टू, या इधर देख लें, इधर ये पॉजिटिव है, इधर आके माइनस हो जाएगा और ये 16 भी इधर प्लस का, इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल में 0। हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं तो इससे मुराद ये होता है कि उसकी हमने उसकी जो स्टैंडर्ड फार्म बनानी होती है। तो स्टैंडर्ड फार्म बनाने से मुराद ये है कि उसमें सबसे पहले x² आए, फिर सेकेंड टर्म कोई एक्स वाली है और थर्ड टर्म हमारे पास उसमें आ जाए कॉन्स्टेंट। तो हम बनाते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ गया 4x², ये भी एक्स का, ये भी एक्स का है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आता है 13x, इधर 25 है, इधर 16 है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा बाय यूजिंग कैलकुलेटर 25 - 16 हमारे पास आंसर आ जाता है जी 9 = 0। देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, देन वी अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी निकालेंगे, तो फर्स्ट में x² का कॉफिशेंट ए होता है, एक्स का कॉफिशेंट हमारे पास आ जाएगा, कॉफिशेंट बी आ जाएगा उसमें 13, और यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास सी जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो x के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -b + -b² - 4ac 2a। तो वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, तो ये हमारे पास आ गया -(b), हमारे पास आई 13 वो लिख लेते हैं, प्लस माइनस बी हमारे पास 13 आया उसका स्क्वायर, 4 × a हमारे पास 4 है और c 9 है, तो 2 × a हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इसको मजीद हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा x = 13 का स्क्वायर 169 आ गया, और मजीद हमारे पास 4 × 4 = 9, तो हमारे पास आ जाता है 144 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 2 × 4 = 8। तो हमारे पास आ गया -13 + -, इनको सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है 25, -169 करके देख लो 25 आ गया, इधर आ गया 8,
तो यहाँ पर आ गया माइनस 13, 25 का स्क्वायर रूट होता है जी 5। तो यहाँ पर x की दो वैल्यू मिलेंगे हमें, एक में माइनस 13 प्लस 58 और सेकंड हमारे पास आ जाएगी माइनस 13 माइनस 5, प्लस और माइनस टू टाइम आ रहा है ना, तो इनको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 8 ओवर 8 तो हमारे पास आ गया, इसको स्क्वायर था माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 आ गया x की एक वैल्यू। सेकंड हमारे पास आ गई माइनस 18, इनको ऐड किया तो नीचे आ गया 8। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 4 2 8 2 9 18, तो 2 पे काट लिया तो हमारे पास आ गया 9 ओवर 4, दो वैल्यू आ गई हैं। जब भी रेडिकल इक्वेशन आती है तो इससे मुराद ये होता है कि हम उसमें उस नेक्स्ट हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए हैं। अब यहाँ हमारा काम तो अगर हम लास्ट जो क्वेश्चन हमारे पास उनको देखें तो काम मुकम्मल हो गया है, दो सॉल्यूशन आए, दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन जब भी रेडिकल इक्वेशन आती हैं स्क्वायर रूट जिनके अंदर पाए जाए उनके अंदर एक्सट्रेनियस रूट हमें मिलते हैं, पैदा हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि स्क्वायर रूट से जब भी आपको बताया कि जब हम करते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो दो वैल्यू दे देता है, कभी पॉजिटिव और माइनस की। तो अब हम ये साबित करना चाहते हैं कि ये दो जो सॉल्यूशन आए हैं क्या ये सॉल्यूशन सेट का हिस्सा हैं या कोई एक्सट्रेनियस रूट हैं। अब एक एक्सट्रेनियस रूट एक नई बात आ गई कि एक्सट्रेनियस रूट से क्या मुराद होगी। तो एक्सट्रेनियस रूट ऐसे रूट्स होते हैं जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। अगर वो सॉल्यूशन सेट में जो एक्स की वैल्यू आई हैं वो अगर गिवन इक्वेशन को, ये इक्वेशन गिवन है, इसको सेटिस्फाइड कर दें, मतलब इक्वल आंसर आ जाए, एक्स है तो एक्स की वैल्यू पुट करें एक्स की जगह पर, उनको सॉल्व करें, तो अगर आंसर इक्वल आ जाए तो हम कह देते हैं कि ये सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है, इन्होंने सेटिस्फाई कर दिया है। अदरवाइज़ जो रूट्स होते हैं जो इनको सेटिस्फाई नहीं करते, इक्वल आंसर नहीं देते, वो हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट होते हैं, तो उनको हम सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं बनाते। तो हम चेक करें बारी बारी कि ये जो दो आंसर आए हैं ये एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है या सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है या नहीं, तो ये चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं जी एक्स की एक वैल्यू, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 इन, ये हमने पुट करना है जी किधर, इन गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, जो हमारे पास शुरू में देगी होती है वो गिवन इक्वेशन होती है, तो वो हमारे पास है 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह माइनस 1 रखना है, प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इसमें भी हमने क्या करना है 7 इंटू इसके अंदर पुट करें तो हमारे पास आज माइनस 1 प्लस 16, ठीक हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं, अगर इक्वल आंसर आया तो दैट इज़ नॉट अ एक्सटेंडेड रूट, ये सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा, दैट इज सॉल्यूशन सेट, दैट द एलिमेंट ऑफ सॉल्यूशन सेट। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 प्लस 5 और इनको सॉल्व करें तो हमारे पास माइनस 7 है, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 7, 7 को माइनस 1 मल्टीप्लाई करें माइनस 7 प्लस 16, इनको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर 3, इनको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है 9, 9 को हम लिख सकते हैं 3 raised to power 2, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट गया तो 3 equal 3 आ गया। तो ये हमारे पास एक इस सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है क्योंकि इसने सेटिस्फाइड कर दिया है, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट, 3 equal to 3 3 3 के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास दूसरी वैल्यू एक्स की, इसको लेते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस 9 ओवर 4 इन गिवन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन गिवन है जी, वो इक्वेशन गिवन जिसमें एक्स की जगह हमने माइनस 9 ओवर 4 लिखना है, तो हमारे पास है जी 2 इंटू एक्स की जगह माइनस 9 ओवर 4 जहाँ पर, और 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट और 7 इंटू माइनस 9 ओवर 4 प्लस 16, ये आ गया जी। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 2 2 2 4, तो मैंने माइनस 9 ओवर 2 आ गया इधर, प्लस 5, इनको सॉल्व करें तो हमारे पास देखिए ये ऊपर नीचे कटते नहीं है तो ये मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं ना, तो 7 9 63 ओवर 4 प्लस 16, ये आ गया। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, इनको मज़ीद सॉल्व किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखें इसमें एलसीएम लिया जा सकता है क्योंकि एक फ्रैक्शन मिल गई है साथ, एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन एलसीएम लेना है। तो इसका हम एलसीएम लेना चाहते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2,
क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ इसके टू है, इधर है ही नहीं, तो इसका एलसीएम टू आया। तो टू को टू पे डिवाइड किया आंसर वन, वन को नाइन से मल्टीप्लाई किया तो वैसे ही माइनस नाइन आ गया। फिर टू को टू पे डिवाइड किया, इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो टू जो इसका है इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे डायरेक्ट, टू फाइव जार टेन। तो दूसरी साइड पर हमारे पास है जी, उसमें एलसीएम देखिए फोर आ रहा है, इनका एलसीएम फोर आ रहा है, इसके डिनोमिनेटर में फोर इधर है ही नहीं, तो फोर को फोर पे डिवाइड किया आंसर वन, तो वन को मल्टीप्लाई किया माइनस सिक्सटी थ्री के साथ तो वैसे ही आ जाएगा, बीच में प्लस। अब फोर को इधर डिनोमिनेटर में आया ही नहीं तो फोर को हम डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं सिक्सटीन के साथ, तो ये आ जाए सिक्सटी फोर। इधर हमारे पास आ गया माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो वन ओवर टू, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है सिक्सटी थ्री माइनस का ये पॉजिटिव, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो वन ओवर फोर आ जाता है, तो वन ओवर टू। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट अलग हो गया, इसका अलग हो गया, तो वन ओवर टू, वन का स्क्वायर हो क्यूब हो कुछ भी वन ही रहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फोर को, ये से कट जाएगा तो वन ओवर टू, वन ओवर टू इक्वल आ गया, सेटिस्फाइड हो गया। तो ये भी सोल्यूशन सेट का हिस्सा है क्योंकि इसने भी सेटिस्फाई कर दिया है। तो एट द एंड हम सोल्यूशन सेट की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया है, माइनस नाइन ओवर फोर आया और साथ माइनस वन आया, ये दो सोल्यूशन सेट आए हैं, दोनों ही एक्सट्रेनस रूट नहीं है, दोनों ही सोल्यूशन सेट का हिस्सा है क्योंकि दोनों ने सेटिस्फाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन है इसका सेम, इसी तरह थोड़ा बहुत प्लस माइनस का डिफरेंस होता है और कुछ भी नहीं है इसमें डिफरेंस। जी डियर स्टूडेंट, सबसे पहला काम इसके रूट खत्म करना है, सिंपल हम क्या करते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लें तो हमारे पास आ जाता है x प्लस थ्री, इसका स्क्वायर कर लिया और इधर थ्री एक्स माइनस वन इसका स्क्वायर कर लिया। इसका तो वैसे कर लेंगे, ये a माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है, तो वो क्या फार्मूला है वो लिख लेते हैं, a माइनस बी होल पावर टू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए बी। तो ये स्केयर स्केयर रूट से कट गया, हमारे पास आ गया x प्लस थ्री, इस पर फार्मूला अप्लाई करना है ये माइनस वाला, तो इसमें फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर, फर्स्ट है ये थ्री एक्स इसका स्केयर प्लस सेकंड है वन इसका स्केयर माइनस टू इंटू फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट थ्री एक्स और सेकंड वन, तो इधर आ गया x प्लस थ्री, इसका स्केयर करेंगे तो थ्री का स्केयर नाइन होता है और x का स्केयर x स्केयर, वन का स्केयर वन ही होगा क्योंकि वन मल्टीप्लाई वन वन, तो ये आ जाए टू थ्री सिक्स एक्स, ठीक हो गया। अब इसको उधर ले आएंगे, उधर एक्स स्क्वायर वाला है, तो हमारी मकसद इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ बढ़ना है, वो बनाना है टास्क, फर्स्ट टास्क हमारा होता है, तो देन उसको सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन सेट लेते हैं। तो इसको उधर ले जाएगा, उधर हमारे पास है नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस सिक्स, इसको इधर ले गया माइनस एक्स हो गया माइनस थ्री हो गया इज इक्वल टू जीरो, ये नाइन एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाता है, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, इधर माइनस इधर माइनस माइनस, इधर सिक्स है इधर वन है, तो ये एड ओके माइनस सेवन हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस टू आ जाता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए ए बी सी निकाल लेते हैं, तो ए बी सी हमारे पास इधर में नाइन है और बी हमारे पास कॉफिशेंट ऑफ एक्स माइनस सेवन और सी हमारे पास इधर है माइनस टू, तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास बन रहा है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। तो यहाँ इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा x, इसमें वैल्यू पुट करें b की वैल्यू माइनस सेवन है तो इसको माइनस सेवन लिख लिया प्लस माइनस माइनस सेवन स्क्वायर माइनस फोर ए, ए हमारे पास क्या है जी, ए हमारे पास है नाइन ये आ जाता है टू इंटू ए ये आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस सेवन और ये आ जाता है, इसका स्क्वायर करें तो फोर्टी नाइन
ये माइनस और ये माइनस प्लस, 4 9 और 2 इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4 × 9 × 2 तो हमारे पास आ जाता है 72, और इसको मल्टीप्लाई किया 9 के साथ तो ये 18 आ जाता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर ये आ गया, इनको ऐड कर लेते हैं 1 2 1 ये आ गया, और नीचे हमारे पास 18 आ जाता है। तो ये आता है 7 + -1, इसका सब इसको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आता है 11, इधर आ जाता है 18। तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल 7 + 11 एक दफा आ गया, जो प्लस और माइनस है, तो सेकंड टाइम हमारे पास आता है 7 - 11/18। तो इसको हम ऐड करें तो हमारे पास 18/18 आ जाता है, और इसको मजीद सॉल्व किया तो 7 = 18 = 18 = 18, तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पर। तो यहाँ इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया -4/18। ठीक हो गया, तो 2 और 9, तो यहाँ पर बात है -2/9, दो वैल्यू आ गई। अब ये चेक करते हैं कि सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है या नहीं, क्योंकि हमने ये चेक करना होता है कि जब भी हम किसी रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वो कुछ ना कभी कभी कभार वो रेडिकल इक्वेशन एक्सट्रेनियस रूट छोड़ती है, तो वो हमने चेक करने होते कौन से हैं। तो चेक करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू लेते हैं 1, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन। कौन सी गिवन इक्वेशन है? ये हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स की जगह 1 और 3 साथ वैसे ही आ गया, इक्वल में 3 × x 1 और ये 1, इसको ऐड करें 4, ये 3 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 - 1, 4 को लिख सकते हैं 2 square root 2 raised by 2 और ये 2 आ गया, ये से कट गया तो 2 = 2 आ गया। तो ये एक तो साबित हो गया कि ये एक स्टूडेंट रूट नहीं है, सॉल्यूशन का हिस्सा है सॉल्यूशन सेट का। तो नेक्स्ट को चेक करते हैं, तो नेक्स्ट पुट एक्स इज इक्वल टू -2/9 इन गिवन इक्वेशन। ठीक हो गया, तो गिवन इक्वेशन हमारे पास है जी -2/9 तो ये हमारे पास इसका एलसीएम करें तो 9 आता है, इसका एलसीएम किया तो 9 आ गया, 9 को 9 पे डिवाइड किया आंसर 1, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2। इसी तरह ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में आई कुछ नहीं, तो 9 × 3 = 27, तो ये हमारे पास इससे कट जाएगा 3 × 3 = 9, तो ये आ गया -2/3 - 1। मजीद सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं कि ये भी एक एक्सटेंडेड रूट है या सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो हमारे पास अगर -2 + 27 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 25/9 स्क्वायर रूट, और दूसरी साइड पे इसका एलसीएम करें 3 का, इसका एलसीएम 3 आया इधर इन दोनों में से, 3 एलसीएम आया तो 3 को 3 डिवाइड किया अंदर 1, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 ही आ जाता है, और -1 के साथ 3 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दिया क्योंकि उस साइड पर इसका डिनोमिनेटर नहीं है। तो यहाँ हमारे पास आ गया ट्वेंटी फाइव को अलग से लिख लिया और 9 को अलग से लिख लिया, ये आ गया -5 और नीचे 3। अब 25 को लिख सकते हैं 5 square, और इसी तरह 9 को लिख सकते हैं 3 square -5/3। तो ये देखें बुक वाले ने चेक करना चाहा कि बच्चों का कितना माइंड, देखें सिर्फ माइनस का डिफरेंस रह गया, माइनस की वजह से इक्वल नहीं आया, तो दैट इज़ हम कह सकते हैं कि x 2/9 इज, या ऐसे कह सकते हैं -2/9 इज एक्सट्रेनियस रूट। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास कौन सा आता है? सिर्फ एक ही, कौन सा?
ये जिसे एक्स वन एक्स हमारे पास वन है, दैट इज एक्सटेनियस रूट। क्यों? क्योंकि इसने सेटिस्फाइड किया है गिवन इक्वेशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास आ जाता है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी थर्ड। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड की तरह है, थोड़ा सा इसको तरतीब देनी है हमने। तो सबसे पहले हम तरतीब कह देते हैं कि इसको वैसे लिख देते हैं 4x। अगर इसको इधर ले आए तो ये पॉजिटिव हो जाता है और ये वही सिचुएशन बन जाती है जो हमारे पास क्वेश्चन थर्ड और फर्स्ट एंड सेकंड में थी। तो इसमें हम क्या करते रहते थे, फर्स्ट स्टेप में टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। अब हमारे पास गिवन इक्वेशन यही है, जब हमने गिवन इक्वेशन की बात करनी तो यही रहेगी, इसके साथ इसको चेक करना होगा चेकिंग के दौरान। तो इधर भी स्क्वेयर कर लेंगे और इधर भी स्केयर कर लेंगे, तो हमारे पास आ गया 13x + 14 स्केयर। इसका स्केयर करने से पहले फार्मूला देख लेते हैं कि a प्लस बी पॉजिटिव है, a प्लस बी वाला फार्मूला a² + b² + 2ab ये आ जाएगा। इसमें हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट स्केयर सेकंड स्केयर एंड 2 × फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट 4x और सेकंड 3। ये से काट जाएगा तो हमारे पास आता है 13x + 14। तो ये 4 का स्क्वायर होता है जी, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और x का स्क्वायर वैसे ही आ जाता है 3 का स्क्वायर 9। 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 × 4 = 8, 8 × 3 = 24x। ऐसे ही हुआ ना कि आपने क्या करना है, कैलकुलेटर अगर आपके पास मौजूद हो, 2 को मल्टीप्लाई 4 के जो आंसर है इसको 3 से मल्टीप्लाई 24 आ जाता है। तो ये इक्वल में हमारे पास इसको इधर ले आते हैं ताकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा जो टास्क है वो पूरा हो जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने तो इसको इधर साइड पे लाना होगा। तो इधर हमारा 16x², ये पॉजिटिव 24 है ये नेगेटिव है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 24 में 13 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 11 पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि बड़ी रकम के साथ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये 9 पॉजिटिव है, ये माइनस नेगेटिव है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है -5। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ नेगेटिव। तो यहाँ पर हम ए बी सी निकाल लेते हैं क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना होता है। ये 11x आएगा, तो ये आता है 11 और सी हमारे पास आता है -5। एक्स है तो एक्स के लिए फार्मूला लिख लेते हैं जी, -b + -b² - 4ac/2a। तो यहाँ पर हमारे पास वही फार्मूला, वैल्यू पुट करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारे पास आ जाता है जी माइनस बी हमारे पास 11 है, प्लस माइनस बी की वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर 4 × a हमारे पास है 16 और सी हमारे पास है -5 और 2 × a हमारे पास है 16। करें जी सॉल्व, -11 + -11 का स्क्वायर होता है 121, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया (5), तो ये हमारे पास आ गया 320। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 16 के साथ तो 32 आ जाएगा। तो ये -11 + -11 इन दोनों को ऐड करें जी, इनको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 441। ठीक हो गया, इसका हम स्केयर रूट देख लेते हैं। पहले हम नीचे वाले को अगर लिखे तो इनका स्केयर रूट इसका देखेंगे तो हमारे पास -11 इसका स्केयर रूट अगर हम चेक करना चाहें तो 441 हमारे पास आंसर आता है 21। इसका डायरेक्ट आप स्केयर रूट फाइंड कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। तो यह हमारे पास 32 आ गया। तो x = -11 + 21 पॉजिटिव है ना, प्लस और माइनस है, तो एक दफा हम प्लस लिख लेते हैं, एक दफा इसको माइनस लिख लेंगे। तो -11 - 21 / 32
टू। तो इनको ऐड किया तुम्हारे पास, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 10/32। तो ये 5 × 10 = 16 × 32, तुम्हारे पास एक्स आ जाता है 5/16, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं, तुम्हारे पास आता है जी -32, इनको ऐड करने से नीचे 32 पहले मौजूद है, तो इनको अगर हम काटें तो हमारे पास आंसर आ जाता है -1। दो सोल्यूशन आ गए, हम चेक करने हैं कि सोल्यूशन सेट का हिस्सा है या एक्सट्रेनियस रूट है। तो चेक करते हैं जी, हमारे पास इसका प्रोसीजर है, तो उसमें सबसे पहले पुट एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू 5/16 इन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन जो सी है उसके अंदर, जो हमारे पास फर्स्ट में इक्वेशन दी होती है वो गिवन इक्वेशन होती है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, 4 × x, तो 4 × 5/16 इज इक्वल टू 13x, x की जगह 5/16 +14 और -3, ये आ गया। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, 4 × 4 = 4 × 4 = 16, तो आ गया 5/4, एक साइड पे ये आ गया। अब उस उधर उधर से -3 को उठा के इधर नहीं लाना, जब चेकिंग प्रोसेस होता है तो जिधर जो है उसको उधर ही सॉल्व करना है, जो भी उसका आंसर आ जाए उनको उठा के इधर नहीं लेके आना, इनको उठा के उधर लेके नहीं जाना, क्योंकि हमने इक्वल देखना है ना, सेटिस्फाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इसे कटता नहीं है, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 365 हो जाता है ना, 13 × 5 = 65/16 +14 -3। मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है जी, इसका एलसीएम करें दोनों में 16 आता है, 16 को 16 में डिवाइड किया आंसर 1, 1 को 65 से मल्टीप्लाई करवा दें वही आ जाता है। तो इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, तो 16 को 14 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा लेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है जी 224 −3। मजीद इसको देखते हैं, इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया जी 289, ये आ गया और नीचे आ गया 16। मजीद सॉल्व करते हैं तो स्क्वेयर रूट ऊपर वाला डिनोमिनेटर का अलग कर लिया और डिनोमिनेटर का स्क्वेयर रूट हम अलग कर लेते हैं। मजीद सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 5/4, स्क्वेयर रूट लिखें जी, स्क्वेयर रूट 289 का चेक किया तो हमारा 17 आ गया, और 16 का तो हम जानते हैं वैसे आसान है, 4 आता है जी, ये सोल्यूशन आया। मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी 5/4 इज इक्वल टू, इसके एलसीएम देखें 4 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 4 है ना, दूसरे साइड पर डिनोमिनेटर है ही नहीं 3 के नीचे, तो 4 से डिवाइड किया आंसर 1, 1 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो 17। नेक्स्ट हमारे पास है 3, तो 4 को डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं है, तो 12, तो 5/4 इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 5/4 देखें सेटिस्फाइड कर गया, तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, x इज इक्वल टू 5/16, दैट इज नॉट डज नॉट अ एक्सट्रेनियस रूट। तो हमारे पास एक इसे सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट हमारे पास -1, तो नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू -1 यानी पुट करना है इन गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या थी, उसको डिलीट कर दो, क्वेश्चन ही था हमारे पास, तो मतलब क्वेश्चन है वही गिवन इक्वेशन होता है। तो हमारे पास आ जाता है 4 × x की जगह -1 लिख लिया और इक्वल में हमारे पास आ गया 13 × -1 +14 इज इक्वल टू -3। तो ये गिवन इक्वेशन, उसके अंदर हमने x की जगह सिर्फ x की जगह -1 लिख दिया जो उसकी वैल्यू थी, जो हमने इधर सोल्यूशन निकाला x का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -13 + 14 - 3, तो ये -4, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 1 आया, तो ये 3 आ गया, तो -4 इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 1, ये -3, स्क्वायर रूट 1 का हो क्यूब रूट कुछ भी हो तो 1 नहीं रहता है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर वैसे आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो -2, देखें इक्वल आता है नहीं इक्वल आता, दैट डज नॉट अ सेट ऑफ पार्ट ऑफ दिस सोल्यूशन, तो ये एक्सट्रेनियस रूट हो गया। तो सिंपल हम सोल्यूशन की बात करें तो हमारे पास दो इसके सोल्यूशन थे, एक हमारे पास था इसमें 5/16 और एक -1,
तो माइनस वन तो एक्सट्रेनस रूट हो गया। हम लिख सकते हैं सो माइनस वन इज एक्सट्रेनियस रूट रूट। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास कौन सा होगा फिर? ओनली 5/16, क्योंकि इसने इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया जो गिवन इक्वेशन थी, और जो इसके अलावा माइनस वन रूट था ये एक्सट्रेनियस रूट हो गया क्योंकि इसने सेटिस्फाइड नहीं किया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी जी ये हमारा गिवन इक्वेशन है, रेडिकल इक्वेशन। इसको सबसे पहले हम लेके चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ, देन हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम इसको ऐसा करें तो 3x+100 स्क्वायर रूट इधर रहे, ये माइनस को उधर लेके जाते हैं तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाता है इस तरह से, ठीक हो गया। अब सेकेंड स्टेप होता है टेकिंग स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हमारे पास आ जाता है 3x+100 स्क्वायर और x+4 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी फर्स्ट प्लस सेकंड होल पावर 2, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हमारे पास आ गया। इसमें हमने क्या करना है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3x+100। इस पे फार्मूला अप्लाई करना था ये। तो क्या फार्मूला है, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एक्स सेकंड हमारे पास 4, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आ गया 3x+100, इसका स्क्वायर करें तो ये एक्स स्क्वायर आ जाता है, 4 का स्क्वायर करें तो 16, 2 4 8x। तो इसको मुझे लेके जाएंगे तो इधर हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस 16 8x। तो ये इधर आके माइनस 3 हो जाएगा और ये माइनस 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, फर्स्ट एक्स स्क्वायर सेकेंड ये 8x है, ये 3x है, सब्ट्रैक्ट किया तो 5x है। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -84। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव के न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ नेगेटिव है जो बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर 84 मिलता है हमें, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर हम ए देखें तो वो हमारे पास 1 है, बी देखें 5 है और सी देखें तो -84 है। तो नाउ वी हैव क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो एक्स के लिए एक्स के वेरिएबल के साथ तो यहाँ पर हमारे पास ए बी सी, बी की जगह हम लिख लेंगे 5±, ए की जगह हम लिख लेंगे 1-84। ये आ जाएगा तो हमारे पास आ गया एक्स, ये आ जाएगा -5±, 5 का स्क्वायर होता है 25, ये माइनस और ये माइनस प्लस, हमारे पास आ गया 84। इस 4 को 84 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया, फिर 36 2 आ गया। नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू -5, इनको ऐड कर लें तो हमारे पास आता 25, 3 6 1/2, -5 स्क्वायर रूट ले लें जी 361 का, 361 स्क्वायर रूट फाइंड किया तो आ गया 19/2। दो वैल्यू दे रहा है, एक में प्लस 19 के साथ और एक हमें मिल रही है जी एक्स इज इक्वल टू -5-19 के साथ, ठीक हो गया। थोड़ा सा तरतीब के साथ लिख लें, ये हो गया, ठीक हो गया।
अब इसको सॉल्व करें तो x इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 14/2, और मजीद सॉल्व किया तो 2 1 2 2 5 2 7 14, तो आंसर आ गया x इक्वल टू 17, ये आ गया। मजीद इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है जी 24, तो 2 पे डिवाइड किया 2 1 2 2 1 2 2 4 2 2 4, तो हमारे पास आ गया 112 - 12, दो वैल्यू आ गई। चेक करते हैं कि ये एक्सपीरियंस रूट तो नहीं आ गए कहीं, तो चेक पुट एक्स इज इक्वल टू 7 इन गिवन इक्वेशन, तो हमारे पास आ जाता है जी गिवन इक्वेशन कौन सी है, 3x + 100, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे 3 × x की जगह 7 + 100 - 7 = 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 21 4, इनको ऐड करें तो 121, और इधर आ गया -7 = 4, तो 121 का स्क्वायर रूट हमारे पास अगर लिया जाए तो वो होता है 11 - 7 = 4, तो इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 4 = 4, तो ये आ जाता है, ये हमारे पास सेटिस्फाइड होगी इक्वेशन। तो ये रूट्स जो है ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, मैं बार बार रूट कह रहा हूँ, रूट से मुराद ये होता है तो सोल्यूशन सेट जो होता है, एक्स की जो वैल्यू दो आती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वो उसका जो सोल्यूशन होता है वो रूट्स कहलाता है। तो रूट दो तरह के, वो उसके सोल्यूशन सेट का हिस्सा है और साथ वो एक्सपीरियंस रूट तो नहीं है, ये भी साथ बताना है। तो ये इक्वल आ गया, ट्रू स्टेटमेंट 4 4 के इक्वल होता है, दैट इज़ ट्रू, तो ये एक सोल्यूशन सेट का हिस्सा है, एक्सपीरियंस रूट नहीं है। तो नाउ हम नेक्स्ट चेक करते हैं जी, नेक्स्ट पुट एक्स इज इक्वल टू -12 इन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन, तो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है जी, गिवन इक्वेशन हमारे पास 3 × सबसे पहले हमारे पास रूट हमने 7 चेक कर लिया, -12 चेक करना चाह रहे हैं, तो इसको पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया 100, जिधर जिधर x होगा उधर हम वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, तो -12 इधर x की जगह -12 पुट करना है, तो एक दफ़ा माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि माइनस को बाद में सॉल्व भी करना है ना, इधर x आ रहा है जिसकी जगह मैंने -7 लिख दिया, तो माइनस बार भी आ रही, तो इस वजह मैंने ब्रैकेट लगा दी, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 3600, इसको मल्टीप्लाई किया तो +12, इधर 4 आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी, इसको देख लेते हैं जी, हाँ जी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 54, तो हमारे पास आएगा 100 - 36 = 64 आ गया, तो ये आ गया 64, इसका स्क्वायर रूट, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया था, ठीक हो गया, 12 और इक्वल में हमारे पास आंसर आ गया 4, ये इसका स्क्वायर रूट हम अगर लें तो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 square 64 = 4, तो ये से करने के बाद 8 + 12 आ गया, तो इधर आ गया 4, इसको ऐड किया तो 20 ≠ 4, दैट इज़ नॉट सेटिस्फाइड। तो हमारे पास जो x -12 है ये एक एक्सटेंडेड रूट है, हम कह सकते हैं सो -12 इज एक्सट्रेनियस रूट। नाउ सॉल्यूशन सेट, ये तो एक्सट्रेनियस रूट नहीं है ना, तो ये सॉल्यूशन सेट का हिस्सा हो गया, तो यहाँ हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। तो यहाँ क्वेश्चन जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, इसमें किसी किस्म का मज़ीद अगर इशू हो, कोई मसला मसाइल हो, तो ज़रूर मुझसे रब्ता करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।